वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ सॉफ्ट कर्ल्स करके। सॉफ्ट कर्ल्स जो कि हम करते हैं प्रेसिंग से, स्ट्रेटनर से और आयनिंग से, जो कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो हम इस वीडियो में मैं आपको प्रेसिंग से कर्ल्स करना बताऊँगी, स्ट्रेटनर से बताऊँगी। क्या होता है कि स्ट्रेटनर से जब भी हम यूज़ करते हैं तो थोड़ा हमें दिक्कत होता है, स्ट्रेटनर से कर्ल्स करने में सच में बहुत दिक्कत होती है, काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, स्टार्टिंग में मुझे भी होती थी। लेकिन इसकी एक सिंपल सी टेक्निक है, एक सिंपल सा तरीका है, वो आपको समझना पड़ेगा। और वो समझ लोगे आप तो काफ़ी ईजीली आप जो कर्ल्स है हमारे स्ट्रेटनर से वो कर सकते हो, आयनिंग से कर्ल्स आप बड़ी ईजीली कर लोगे। फिर तो आपको बस एक सिंपल सी टेक्निक है जो कि आपको समझना है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, सेक्शनिंग हमारी नॉर्मल ही होती है, ए टी और पार्टिंग करना है और फिर नीचे से हमें नेप एरिया से स्टार्ट करना है। तो इनके जो बाल हैं उनकी लेंथ आप देख सकते हो, शॉर्ट हेयर है, शॉर्ट हेयर में हम यहाँ पे सॉफ्ट कर्ल्स कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लुक आता है सॉफ्ट कर्ल्स में। और तो हमें क्या करना है कि हमें लेने हैं छोटे सेक्शंस, ना ज़्यादा हैवी सेक्शन लोगे तो आपका कर्ल्स बहुत ही ज़्यादा लूज़ बनेगा बिल्कुल। अगर आपको ज़्यादा ही लूज़ चाहिए फिर आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इतना भी लूज़ नहीं चाहिए कि बिल्कुल स्ट्रेट सही लुक आ जाए, तो थोड़ा सा आपको मीडियम सेक्शन लेना होगा, ना ज़्यादा हैवी ना ज़्यादा पतला। तो इस तरीके से आपको सेक्शन लेना है। सेक्शन लेकर के आपको अपनी मशीन को नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना है, बालों का अकॉर्डिंग टेम्परेचर आप डिसाइड कर सकते हो। बालों को इस तरीके से मशीन में रखो, एक ट्विस्ट देना है, मतलब आपने मशीन में ऐसे स्ट्रेट रखा बालों को, स्ट्रेट रख के एक ट्विस्ट देना है। अभी आपको दोबारा देखना, सेक्शनिंग आपको नॉर्मल मीडियम लेके ही चलनी है, सेम साइड उसी तरीके से करना है। क्या होता है कि जब आप लेफ्ट में है तो आपको जो कर्ल्स है वो राइट में जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मशीन को रखा अपने बालों में और सिर्फ एक ट्विस्ट, मतलब जो आपका हाथ है वो एक बार फ्लिप होना चाहिए, एक ट्विस्ट करना है अपने आपको मशीन को और बस सिर्फ एक। मैंने क्या है कि काफ़ी देखा है, मतलब दो तीन बार आप बालों को रोल कर देते हो, एक ट्विस्ट करा फिर एक और करा, मतलब लगता है कि क्योंकि हमें लगता है ना कि कर्ल्स करने तो ज़्यादा ट्विस्ट होने चाहिए जब ही कर्ल्स आएगा, लेकिन उससे क्या होता है कि बाल मतलब आपकी मशीन से निकलने के ही नहीं, बाल जो है आपकी मशीन जो है अटक जाएंगी, क्लाइंट के हेड में भी बहुत ज़्यादा पेन होगा क्योंकि उनके बाल खींचेंगे मशीन में जो है बाल, मतलब ये बिल्कुल भी आपके निकलेंगे नहीं। तो इसलिए सिर्फ आपको, आप देख रहे हो कि मैं सिर्फ एक ही ट्विस्ट दे रही हूँ, बालों को मशीन में ऐसे रखना है और सिर्फ एक बार फ्लिप करना है बस, और उसे ही आपको लेकर के नीचे आना है। और इसमें मेन बात क्या होती है करने में कि आपको करना है ये प्रोसेस, जब आप ऐसे मशीन में बालों को रखा और फिर एकदम ऐसे पकड़ के एक हाथ से बालों को नीचे लेके आना है धीरे 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 धीरे, ये प्रोसेस आपको करना है बड़े स्लोली। ज़्यादा फास्ट करोगे कि आपने मशीन में रखा और फटाफट से नीचे ले आए आप अपनी मशीन को, तो आपके बालों में कर्ल्स नहीं आएगा, अच्छा कर्ल्स नहीं आएगा। तो इसे धीरे धीरे आपको अपनी मशीन को नीचे लेकर के आना है स्लोली स्लोली इस तरीके से। फ्रंट से जब आप कर रहे हैं तो फ्रंट के कर्ल्स आप हमेशा बैक की तरफ को करते हैं, फ्रंट में भी कर सकते हैं लेकिन लुक वो फिर हमारा कोई और लुक डिसाइड कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन वैसे हम जनरली हमेशा अपने कर्ल्स जो है पीछे को ही करते हैं फ्रंट से इस तरीके से, ठीक है। और जो हमारा टॉप एरिया होता है वो भी काफ़ी नॉर्मल है, आप किस साइड भी कर सकते हैं, लेफ्ट में कर लो राइट में कर लो, वो आपकी चॉइस है। पहले हम साइड पार्टिंग करते हैं दोनों साइड से और फिर हमारा बॉक्स सेक्शन जो है सेंटर का, ऊपर का, फ्रंट का, वो बाद में डिसाइड करते हैं। तो इस तरीके से आपको बैक में ही लेके जाना है। सबसे पहले फ्रंट में थोड़े सा आप बालों को ऐसे प्रेस भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे बाल जो है वो रूट से बिल्कुल, ताकि थोड़े प्रेस हो जाए, एकदम फिनिशिंग आ जाए हमारे बालों में। और उसके बाद आपको इस तरीके से सिर्फ एक ट्विस्ट, आपने देखा मशीन में सिर्फ मैंने बालों को मशीन में रखा और एक हल्का सा हाथ को ट्विस्ट करा और फिर बालों को उसके ऊपर बस रोल करना है। सिंपल है काफ़ी, दो तीन बार अगर आप रोल करोगे तो आपके बाल जो है खींच जाएंगे मशीन में, आपकी मशीन नीचे जाएगी नहीं, अटक जाएगी एक ही जगह पर, तो आपको वो नहीं करना है, सॉफ्टली हाथ चलाना है काफ़ी। और इस तरीके से जो है इनके जो पूरे कर्ल्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे, और इन्हें बाद में जो है हमें थोड़ा सा इन्हें फिंगर से इस तरीके से खोलना है ताकि सारे जो है मिक्स हो जाए, काफ़ी अच्छा लुक आ जाए इनके बालों में। तो आप देख सकते हैं इनके कर्ल्स का लुक कैसा आया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, आपको ये टेक्निक ये तरीका समझ में आया या नहीं आया। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।